हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, फोर्ज़ा हराइज़न 5 के हॉट व्हील्स के एक्सपेंशन पैक के गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और आज गाइस हम लोग फोर्ज़ा हराइज़न 5 खेलने जा रहे हैं और इसका जो न्यू एक्सपेंशन पैक आया हॉट व्हील्स का, उसको खेलने जा रहे हैं। सो आई हैव स्टार्टेड अ रेस, तो अभी हम लोग चलते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह के इसमें इवेंट्स हैं और किस तरह की इसमें रेसेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर अभी मैंने रिसेंटली एक इवेंट स्टार्ट किया है। सो बेसिकली मैं अभी आया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है। और आई नो कि काफ़ी लेट मैं इसके गेम प्ले अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी देर का आया हुआ है हॉट व्हील्स एक्सपेंशन पैक। लेकिन इस चैनल के ऊपर वैसे भी कोई फोर्ज़ा की इतनी कम्युनिटी है नहीं, तो ये तो जो गेम प्ले मैं अपलोड कर रहा होता हूँ फोर्ज़ा हराइज़न 5 के, सो वो तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इस गेम में और मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है गेम। सो इस वजह से मैं जो है वो रह नहीं पाता, लास्ट मंथ जो है वो कोई ना कोई गेम प्ले जो है वो शेयर कर लेता हूँ। सो एज यूजुअल गाइस, दिस गेम प्ले इज इन 4K 60 FPS विद मैक्सिमम सेटिंग्स RTX ऑन। ओ भाई, यहाँ पे देखो आइस वाला रोड आ गया। ओ भाई, फिसल गई गाड़ी, फिसल गई हमारी सारी की सारी गाड़ी फिसल गई। बातों बातों में कोई पता नहीं चला यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे यार, ये काम खराब हो गया ना। सो बेसिकली इधर यहाँ पे जो है वो पूरे ट्रैक के ऊपर आइस पड़ी थी एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओहो भाई, यहाँ पे जो है ना काम ख़राब होने वाला है। ये टर्न हमें जो है ना सही से मारना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे क्या नूब उठ के आ गया गेम प्ले बनाने, खेलना इसको आता नहीं। हाँ वाकई नहीं, मुझे खेलना आता। मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद जो है ये स्टीयरिंग व्हील के साथ आज वापस आया हूँ फोर्ज़ा हराइज़न 5 में। और पहली बात तो ये है कि मैं गेम प्ले बना ही बहुत दिनों के बाद रहा हूँ, सो यहाँ पे आराम से गुजर जाते हैं। अगर संभाल ही नहीं जाती तो फ़ायदा नहीं है इतनी स्पीड मारने का, तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा स्लोली स्लोली यहाँ पे गुजर जाएं। आगे अच्छा ट्रैक आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो है वो स्पीड मार लेंगे। तो बस मेरे ख्याल से यू आर अ हॉट व्हील कॉल व्हील्स रॉकी क्वालिफायर कंप्लीट हो गई। चलो जी, ये क्वालिफिकेशन राउंड था। और या नॉट बैड, मैं तो बहुत टेरिबल ड्राइव की है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी मैं बेसिकली इसमें ये जो है वो रैंकिंग सिस्टम है, जैसे जैसे आप लोग जो है वो रैंक अप होते जाओगे, आप बड़ी बड़ी जो है वो व्हीकल इसमें ड्राइव करते जाओगे। सो दैट्स द प्योर रीज़न कि मैं क्यों यहाँ पे जो है वो ड्राइव कर रहा हूँ ये वाली गाड़ी। सो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने एक इवेंट कम्प्लीट किया है। ओहो, ये क्या सिस्टम है भाई। ओके, सो एक इवेंट हमने कंप्लीट किया है तो उससे आगे जो है वो इवेंट पे इवेंट जो है वो डिफरेंट आते जा रहे हैं। सो एक ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है। यहाँ पे रात के वक्त देखो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, वो सामने बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है वो बल खाता हुआ पूरे का पूरा जो है वो मैप नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के जो है ना इंटीरियर से तो बिल्कुल कख नज़र नहीं आता, आप देख ही सकते हैं आपके वो इतना बड़ा सुपर चार्जर लगा हुआ है, सो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बेहतर है कि हम इधर जो है वो थर्ड पर्सन में ही खेल लें इस गेम को। सो ये यहाँ पे शार्प लेफ्ट लेके, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने एक्सपेंशन बनाया है। पहले भी आप लोगों को पता है, पिछली दफ़ा लेगो का आया था फोर्ज़ा हराइज़न 4 में, फोर्ज़ा हराइज़न 3 में भी हॉट व्हील्स का एक्सपेंशन पैक आया था। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें ओ भाई ये ऊपर से इस चक्कर लगा के पूरा जो है वो आना पड़ेगा, जो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरी गाड़ी जो वैसे ही गिर जाएगी कहीं पे, बट इट्स ओके, इतनी बुरी भी जो है वो इसकी स्पीड नहीं है। मे बी अगर आप ऊपर से जाके ब्रेक लगा दो तो फिर हो सकता है गिर जाए आपकी गाड़ी, तो कुछ कान जा सकता। तो वो आगे से चल के हमने जो है वो शार्प लेने, यहाँ पे इतनी भूल भुलैया हैं गाइस कि आप लिटरली एक जगह पे जो है वो बार बार लूप में ड्राइव करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक ही लूप में जो है वो अटके हुए कहाँ पे कई टाइम से। सो मेरे साथ हो चुका है, मैं एक लूप में कोई 15-20 मिनट ड्राइव करता रहूँ, मैं सोच रहा हूँ यार ये बार बार वही क्यों आ रहा है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैं तो लूप में ड्राइव कर रहा हूँ। तो इस तरह के यहाँ पे बड़े सीन हैं। और यहाँ पे ये देखो फ़ैन लगे हुए हैं, ये आपकी गाड़ी को जो है वो एक्सलरेट कर देते हैं मज़ीद और भी ज़्यादा जैसे ही आप इसके करीब से गुजरते। सो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा जो है वो एकदम से इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। सो ओह नो शिट,
स्पीड इंजॉय करते करते ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि हम आगे जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे डे भी हो रहा है, अभी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद भी इसका टूर करवाऊँगा। एक और इवेंट हम लोग यहाँ पे नबेड़ लेते हैं, वो इतना अच्छा तो ड्राइव तो नहीं मैंने करनी। अच्छा अभी 2 मिनट्स 40 सेकंड अगर मैं करता हूँ तो फिर मुझे फर्स्ट जो है वो मिलेगा। 1 स्टार के लिए मुझे 6 चाहिए, सो 2 स्टार्स के लिए 3 मिनट्स चाहिए। सो या लेट्स गो, 2 मिनट्स 40 सेकंड मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। आई एम अ टेरिबल ड्राइवर और इतने दिनों के बाद जो है वो मैं आ रहा हूँ फोर्ज़ा हराइजन 5 में, सो अब तो वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। सो चलो फिर भी कहते हैं कि ट्राई मस्ट है, ठीक है, कामयाबी नाकामयाबी वो बात की बात होती है। अबे इतनी स्लो कार में 2 मिनट्स 40 सेकंड, ओके लेट्स सी क्या बनता है भाई यहाँ पे। कोशिश तो ये होगी कि अच्छे से ड्राइव करें और मैं यहाँ पे मोस्ट लाइकली रिमाइंड जो है वो शायद ना ही यूज़ करूँगा, इतने इट्स रियली अनप्रोफेशनल और रिमाइंड्स ना यूज़ करने पड़े इसलिए मैं जो है वो थोड़ा सा सेंसिबली ड्राइव करूँगा। और आप यहाँ पे मैप देखो, यही बेसिकली मैं मैप आपको दिखाना चाहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है वो इवेंट्स भी कर लें। फिर आप लोग कहते हो कि यार आप रेस तो करते नहीं है कोई, ओ नो यार पहले ही इसमें स्पीड बड़ी मुश्किल से बढ़ती है, आगे से ये वाले जो है वो लोग आके ब्रेकिंग लगवा रहे हैं। नो नो सीधे जाना किधर है? अच्छा ठीक है ठीक है, क्योंकि ये इस गेम का लॉजिक है कि ये रास्ते गलत रॉन्ग वेज जो है वो बंद नहीं करते, मेरे ख्याल से ऑन ही रहते हैं। तो भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम, मेरे ख्याल से एआई इसको अगर हम बीट करते हैं फिर ही, ओह शिट ओह शिट यार ये सीन चेक करो बस, बाकी छोड़ो इवेंट को दफा करो, वो हमने वैसे भी नहीं जीतना। लेकिन ये मैप जो है ना मैं आप लोगों को दिखाने लाया हूँ तो वो आप चेक करो कितना ज़बरदस्त है यार, मतलब कितना मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से हमें ना इसके अंदर जो है वो चेक करना चाहिए, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, हाँ इधर मज़ा आएगा ना बिड़ू, ये चीज़ ना बिड़ू। और यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल सेकंड पे चल रहे हैं मेरे ख्याल से, और ये गाड़ी वाला आगे ब्रेकिंग लगा के ना हमारा भी रास्ता जो है वो ब्लॉक कर रहा है यार। क्या कर रहा है यार ये गाड़ी वाला, देखो खुद भी अटका हुआ है मुझे भी अटकाया हुआ है। वो देखो पीछे वाले आ गए हैं हमारे साथ, ये गाइस मेरे ख्याल से मैग्नेटिक ट्रैक है, बिल्कुल ये वाला जो है ना ट्रैक ये मैग्नेटिक है। इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट्स के साथ और आपकी गाड़ी जो है वो नीचे नहीं गिरती। अभी यहाँ पे देखो हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है वो जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद गाड़ी जो है वो नीचे नहीं गिर रही, तो ये बहुत ही मज़ेदार है। एक तो ये गाड़ी वालों ने ना नाक में दम किया हुआ, यार ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग यार मेरे को क्यों पुश कर रहे हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक जो है वो ट्रैक है और यहाँ पे गाड़ी जो है वो गिर नहीं सकती, ये बिल्कुल आपको जो है वो गाड़ी को पिक करके रखती है, होल्ड करके रखती है। अबे साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, ओह नो ये काम ख़राब हुआ है, ये मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगानी चाहिए थी। ओके मैंने बोला था कि मैं रिवाइंड यूज़ नहीं करूँगा लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी। पता नहीं 2 मिनट 40 सेकंड में उन्हें कंप्लीट करा या नहीं, सो बट या दैट वाज द इवेंट विद अ रिवाइंड अनफॉर्चुनेटली। नहीं कर पाए हम, 2-8 सेकंड्स हमने एक्स्ट्रा लिए, सो कोई बात नहीं वो बनता ही है। पहले मैंने बोला था कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ड्राइवर और कोई प्रैक्टिस भी नहीं है इसमें ड्राइव करने की भी। सो यहाँ पे स्कूअर आगे नज़र आ रहे हैं मेरे को, तो वो हम ट्राई करते हैं कि वो वहाँ पे उसका क्या सीन है। ओ भाई चेक करो, ओहो यहाँ पे कसम से एकदम से जो है वो ऐसे डर लगता है, लगता है गाड़ी बस गई है आप लोगों की। ओके सो यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक ट्रैक्स जब आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप मैग्नेटिक ट्रैक में जाते हो तो आपके कानों में एक जूम एक स्पेशल साउंड इफेक्ट जो बनता है। टूर क्या है यार ये? There's something really special about taking a bunch of professional drivers, grouping them up into teams and having them race. अच्छा ठीक है, ये वो बेसिकली जो लोगों ने बनाया होता है मल्टीप्लेयर के ग्रुप्स, तो मेरा भाई इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है तो मेरे को फिर वो गेम जो है वो किक आउट कर देती है बीच में ही।
तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा लोग गालियाँ निकालने गया किसने एक बंदे की जगह भी बुक की थी और फिर बाद में खेला भी नहीं सही से इवन। सो या दैट इज़ दी, अभी हम अगले ट्रैक में चलते हैं क्योंकि अभी दिन नहीं चढ़ा। मैं चाहता हूँ कि इसका गेम प्ले जो अच्छे में अच्छे से बनाऊँ डे टाइम में। सो हम क्या करते हैं तब तक एक अगला इवेंट जो है वो कोई देख ढूंढ लेते हैं जो यहाँ पे करीब हो। किधर गए यहाँ पे इवेंट? सो यहाँ पे एक इवेंट है, इसको करते हैं जी फॉलो। के लिए जाने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा जी रिवर्स। मैं यहाँ पे ना बम्पर कैमरा लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने का और भी मजा आए ट्रैक का। तो ये आप देख सकते हैं अमेजिंग किस्म का ट्रैक है जी, और सीधा अभी यहाँ पे हम लोगों ने जाना है स्ट्रेट। ओ ये वाला मैग्नेट ट्रैक है, वाह जी वाह, वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर जाते हुए हम लोग यूजिंग दिस मैग्नेट ट्रैक। और यहाँ पे हम लोग जो है वो लेफ्ट लेंगे। सो गाइज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये पैक कैसा लगा। मज़ीद आप लोग गेम प्लेज देखना चाहते हो फोर्ज़ा हराइज़न 5 के, ज़ाहर है यार अगले गेम प्लेज अगर हम रेगुलरली बनाते रहें तो मेरी तो ड्राइविंग जो है वो इम्प्रूव हो ही जाएगी, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर गेम प्लेज जो है वो देखना एक शर्त है, क्योंकि व्यूज़ नहीं होंगे तो मैं इतनी मेहनत जो है वो इतना टाइम, मेहनत क्या मसला नहीं है यार, टाइम जो है ना वो ज़ाया होता है, फिर अगर आप इतनी जो है वो एक चीज़ को टाइम दो और उसका कोई फ़ायदा ना निकले तो वो फिर थोड़ा सा एक मसला जो है वो बनता है। तो यार बड़ी बड़ी लोग गाँव यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं, मैं तो बिल्कुल ही अभी जो है वो इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ। सो इस पैक को आए मेरे ख्याल से एक मंथ से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है, तो मैं काफ़ी लेट आ रहा हूँ इस पैक में। और अगेन मुझे टाइम ही अभी मिला, मेरी ये पर्सनल फेवरेट गेम है, सो मैंने सोचा अभी मैं खेल रहा हूँ तो क्यों आप लोगों के लिए भी एक जो है वो गेम प्ले लेके आऊँ। भले ही मैं बहुत टेरिबल किस्म की ड्राइविंग कर रहा हूँ बट स्टिल व्हाई नॉट गिव इट अ चांस और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलो जी ये मेरे ख्याल से कोई हमारी रेस बकायदा शुरू होने वाली है और लेट्स सी हाउ वी परफॉर्म। और फिलहाल मेरे को ये बॉन शेकर मिली हुई है, ये हर एक को ही देते हैं वो, तो बिल्कुल ये वो कहते हैं ना एंट्री लेवल का है, तो इसमें कोई अच्छी चीज़ लगी नहीं मेरे को। इसको मैं अपग्रेड भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एकेडमी रैंक काफ़ी ज़्यादा लो है, तो जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ेगा फिर ही मैं जो है वो गाड़ियाँ अपग्रेड भी कर पाऊँगा, फिलहाल तो मुश्किल है। ओके ये नाइट टाइम का गेम प्ले है जी, लेट्स गो। और मैं बेसिकली रेसेस करी इसलिए रहा था कि मैं नाइट टाइम को अवॉइड करूँ, और इन्होंने ये पूरी की पूरी रेस ही जो है वो नाइट टाइम पर कर दी है, तो चलो कोई बात नहीं अभी हम करते हैं जी इसको। और ये वाली गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करना गाइस मुश्किल है, इसकी है ना हैंडलिंग बड़ी वेर्ड सी है और मुझे नहीं समझ आ रही इस गाड़ी की। तो वो पिछली दफ़ा जो हमें गाड़ी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, इसके मुकाबले में उसकी फिजिक्स काफ़ी बेहतर थी, तभी मैं जो है वो इतना कर पाया। तो यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये तो बिल्कुल भी मेरे से जो है वो प्रॉपरली चलेगी भी नहीं ठीक से, तो ये इसको ड्राइव करना ना बड़ा मुश्किल है, अजीब सा मतलब ना इसका है, एकदम से स्किड कर जाती है। सो वो जो स्किड करती है ना तो उसके ऊपर मेरा जो है वो ये देखो ये अभी इसने स्लाइडली किया था बट मेरे को पता चल गया था कि ये यहाँ पे करेगी, तो थोड़ा सा पहले ही मैंने इसको जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया, सो बच बचा हो गया, वरना यहाँ पे हमारी सारी की सारी रेस जो है वो गई थी। और शायद हमें ये देखो यहाँ पे अगेन ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर जो भी है इसकी वजह से ये स्किड मारती है बहुत बुरे वाला, तो उसकी वजह से फिर इसको कंट्रोल करने ही बड़ा मुश्किल है। बाकी इसका एक्सेलरेशन वगैरह वो बस ठीक ठाक ही है, एवरेज सही है जो भी है। तो यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं जी सेकंड पे, और फर्स्ट वाला गाय जो है वो बहुत ही हरामी है, बहुत दूर निकल गया है वो, और मुझे नहीं लगता हम उसको प्रॉपरली कैच कर पाएंगे, और रास्ते का ट्रैक का भी नहीं पता है। एक तो बंदा हो ना कि एक ट्रैक को बंदा दो तीन दफ़ा जो प्ले करे तो उसका पता चला जाता है यहाँ पे टर्न आ रहा है, यहाँ पे हार्ड टर्न है, यहाँ पे सॉफ्ट टर्न है, सो वो भी एक आइडिया जो है वो नहीं है बिल्कुल ही। और बिल्कुल मैं जो है वो ये गाइडिंग लाइंस के मानते हुए जो है चल रहा हूँ, जैसे जैसे गाइडिंग लाइंस जो है वो गाइड कर रही है, तो मुझे खुद से जो है कोई आइडिया नहीं है ट्रैक का, इस बंदे को पकड़ना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा।
बहुत ही दूर निकलता जा रहा है वो, और मुझे नहीं लगता कि उसको कैच कर पाएंगे हम लोग। ट्रैक ओके 80% ट्रैक हो गया, सो ही इज स्टिल वेरी अहेड ऑफ अस, और लेट्स सी कैसे हम पकड़ पाते हैं उसको या नहीं। वो हो भाई ये सीन चेक करो, तो बहुत मुश्किल है। एंड वी हैव फिनिश्ड सेकंड, पता नहीं अब इसमें शर्त ही ना हो कोई फर्स्ट फिनिश करना। नहीं भाई वो बहुत शाना बंदा था, उसको पकड़ना वैसे ही बहुत मुश्किल था। एनीवेज आई जस्ट होप कि बाय डूइंग दिस हमारा यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में डे टाइम हो गया हो, लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं हुआ। तो चलो अभी हम रेस्ट ऑफ द गेम प्ले थोड़ा सा फ्री रोमिंग जो है वो करते हैं इस गाड़ी के साथ, और होपफुली अगर मैं इस गेम को खेलता रहा तो बहुत जल्द एकेडमी में हायर रैंक पे चले जाऊंगा, और आप लोगों के लिए इसी मैप में बड़े गेम बड़ी गाड़ियों का गेम प्ले जो है वो लेके आऊँगा। आप ना इसमें ओवरवर्ल्ड कार्स भी जो है वो ड्राइव कर सकते हो, लाजमी नहीं कि आपने ये हॉट व्हील्स की ही गाड़ियाँ जो है वो करनी है ड्राइव। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट किस्म की कार्स जो स्लो हैं बेसिकली वो ड्राइव कर सकते हैं, सो इट डजंट हैव टू बी हॉट व्हील्स कार। आपको मैप पसंद है लेकिन हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ पसंद नहीं है, सो यू कैन चेंज योर कार। यार यहाँ पे बड़ा मसला है, सो फार्मूला ड्रिफ्ट तो शायद हम यहाँ पे नहीं ड्राइव कर पाएंगे बिकॉज वो सारी की सारी बड़ी हाई रैंक गाड़ियाँ, सो ये गाड़ियाँ जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। यू गाइस कैन सी, और ये सारी बड़ी स्लो गाड़ियाँ हैं, इसमें कोई भी जो है वो इतनी फास्ट गाड़ी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू रैंक ये आप मतलब ये चीटिंग नहीं कोई किसी भी किस्म की कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का हॉट व्हील्स का गेम प्ले, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ जी आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना जो है वो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।